हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुशवाहा प्रॉपर्टी। मैं आपका दोस्त सनत कुमार और आप देखने जा रहे हैं एक 3 BHK का फ्लैट जिसके अंदर अपने को मिलने वाला है ड्राइंग रूम, 3 बेडरूम्स, 2 टॉयलेट, किचन, किचन के बराबर के स्पेस का एक स्टोर रूम तथा 4th फ्लोर के ऊपर एक 12x12.5 के आसपास का बेडरूम तथा इंडिविजुअली अपने फ्लैट की छत जो सिर्फ़ आप ही यूज़ कर पाएंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही हम मेन गेट से एंट्री करते हैं ड्राइंग रूम में आपने देखा सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर खिड़कियाँ हैं और उन खिड़कियों से यदि हम देखें तो अपने को मिलता है पंकज सेंटर मार्केट एवं मयूर ध्वज के बैक साइड का ओपन एरिया व्यू। ड्राइंग रूम के साथ ही किचन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किचन के अंदर सारा काम हो रखा है, रेडी टू शिफ्ट फ्लैट है और काम भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का किया गया है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, मार्केट वैल्यू का 80% लोन अपने को मिलता है। यदि बात करी जाए पार्किंग की तो इस फ्लैट के साथ अपने को एक रिजर्व स्लॉट सोसाइटी की तरफ से मिलता है। मेंटेनेंस 1750 रुपये है, 1750 रुपये में ही गाड़ी की पार्किंग अपनी है। सोसाइटी कंपाउंड के अंदर ही मंदिर, ओपन सेंट्रल पार्क। गेट पे यदि हम बात करें तो सोसाइटी की अपनी कमर्शियल 2 शॉप्स हैं जिनसे सोसाइटी को रेवेन्यू जनरेट होती है। दोस्तों हमने देख लिया है 3rd फ्लोर पे ड्राइंग रूम, किचन, कॉमन टॉयलेट बाथरूम तथा बेडरूम। ड्राइंग रूम से जो अपने को खिड़कियों से व्यू मिलता है वही व्यू यहाँ हमें बेडरूम से भी मिलता है और ये जो एरिया बेडरूम और ड्राइंग रूम के साथ का है ये पड़ता है अपने को वेस्ट डायरेक्शन पे। तो लगभग मोटा मोटा 11:30-12 बजे के बाद से यहाँ धूप आनी शुरू हो जाती है और जब तक सूरज नहीं डूबता अपने को पूरी धूप मिलती है सर्दी गर्मी के हिसाब से। गर्मियों में कम हो जाती है, सर्दियों में ज़्यादा हो जाती है। अब हम चलेंगे 4th फ्लोर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया आपको ये डुप्लेक्स फ्लैट है तो लगभग 600 स्क्वायर फीट का एरिया हमें अपने को मिलता है 3rd फ्लोर पे और लगभग 600 स्क्वायर फीट के आसपास ही एरिया मिलता है अपने को 4th फ्लोर पे तथा 4th फ्लोर की छत पर बना हुआ है 12x10 के आसपास का एक शानदार स्टोर रूम। इस तरीके से देखा जाए तो लगभग 1250 स्क्वायर फीट के आसपास का कवर्ड प्लिंथ एरिया यहाँ अपने को मिलने वाला है। साथ ही इंडिविजुअल छत अभी आपको दिखाएंगे। जो हमने फोर्थ फ्लोर पे टॉयलेट देखा था जस्ट उसके ऊपर टॉयलेट, जो हमने 4th फ्लोर पे बेडरूम देखा जस्ट उसके ऊपर बेडरूम तथा किचन के ऊपर स्टोर रूम तथा ड्राइंग रूम के ऊपर ड्राइंग रूम के बराबर अपने को यहाँ मिलने वाला है बेडरूम, दिया गया स्टोर रूम जो कि नीचे किचन के बराबर का है। मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी इन्होंने सर ने इसे एज ए पूजा रूम यूज़ किया हुआ है। बहुत ही यूज़फुल जगह है। अब आप कैसे इसे यूज़ करना चाहेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आपने जो सामने की तरफ दरवाज़ा देखा है ये 4th फ्लोर पर है, आप इंडिविजुअली बाहर की सीढ़ियों से यहाँ एंट्री कर सकते हैं। ये आपका हो गया 2nd बेडरूम। 2nd बेडरूम में आप देख रहे हैं छत में अपने को मिल रहे हैं 2 पंखे, इसका मतलब जो साइज़ है आप इमेजिन कर सकते हैं। जो कमरा है ये बहुत ही बड़ा है। बेडरूम के बाद चारों तरफ अपने को मूवमेंट के लिए अच्छी खासी जगह मिलती है, इवन कि आप 2 बेड भी लगा सकते हैं। अब हम चल रहे हैं 3rd बेडरूम की तरफ। 3rd बेडरूम जस्ट नीचे वाले बेडरूम के बराबर ही और सेम डायरेक्शन पे है। दोस्तों फ्लैट ओनर की तरफ से 1,20,00,000 रुपए की डिमांड रखी गई है जिसमें मुझे लगता है कि हम बैठ के बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन के चांस हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ओरिजिनल अलॉटी की प्रॉपर्टी है, पेपर का भी कोई चक्कर नहीं है, साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन टाइटल है। अब हम चल रहे हैं 4th फ्लोर की छत की तरफ। तो जैसे ही हम 4th फ्लोर पे आते हैं आप देखेंगे अपने को मिलता है एक लगभग 12x10.5-11 के आसपास
स्टोर रूम, इसे आप बेडरूम की तरह यूज़ कर सकते हैं। सर ने इसे स्टोर रूम की तरह यूज़ किया हुआ है, आप कमेंट करके बताएं आप इस जगह को कैसे यूज़ करना चाहेंगे। साथ ही जीने स्टेयर्स के ऊपर का जो एरिया है वहाँ भी स्टोर रूम बना हुआ है, और ये जो थोड़ी जगह मिलती है स्टेयर्स के साथ में, यहाँ भी इसको कवर्ड किया गया है, आप इसे एज ए स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं। और अब हम आ गए हैं छत की तरफ। ये इस फ्लैट की सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पर अपने को मिलता है थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे फ्लैट, और वहीं मिलती है अपने को छत। नॉर्मली कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में यह चीज़ नहीं मिलती है। सामने की तरफ का जो व्यू है आप देख रहे हैं, पंकज सेंटर मार्केट, मयूर ध्वज अपार्टमेंट, पूरा ओपन एरिया है दोस्तों, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं, स्क्रीन में भी नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, यदि आपको इस फ्लैट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये सोसाइटी का बैक गेट है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को देखने को ज़रूर मिला होगा। आईपी एक्सटेंशन के बारे में, एक डुप्लेक्स फ्लैट के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत